मीनू चिड़िया फलों के बाग में थी। वे अपने लिए कुछ अच्छे और ताजे फल तोड़ रही थी। यही समय है, मुझे अपने लिए कुछ भोजन इकट्ठा करना होगा, वरना फिर घर जाकर तो मुझे बहुत सारे काम है। इसलिए मैं अपने लिए यहाँ से कुछ ताजे ताजे सेब और ऑरेंज तोड़ लेती हूँ। अरे पेड़ जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपसे कुछ अच्छे और ताज़े सेब तोड़ लूँ? हाँ मीनू चिड़िया, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। तुम जितने भी सेब चाहो मुझ पर से तोड़ सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। शुक्रिया पेड़ जी, मैं बस आपसे कुछ ही फल तोड़ना चाहती हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया अपने लिए उस पेड़ से कुछ अच्छे अच्छे सेब तोड़ लेती है। तभी एक छोटा सा बच्चा दूर से मीनू चिड़िया को देख रहा था। यही सही समय है, मैं मीनू मौसी को जाकर सारी की सारी बात बता देता हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगी। अब मुझे फौरन घर जाना होगा, मुझे बहुत सारे काम है, आज तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तभी वे छोटा सा बच्चा मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहने लगता है। मीनू मासी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मीनू मासी। देखो बेटा, मैं आज बिल्कुल फारिग नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती। अगर तुम्हें खाने के लिए कुछ सेब चाहिए तो मुझसे ले लो। अरे नहीं नहीं मीनू मासी, मुझे सेब नहीं चाहिए, बस आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे बेटा, मैंने कहा ना, मुझे घर में बहुत सारे काम है। अरे मीनू चिड़िया, सुन लो ना इस बच्चे की बात, क्या कहना चाह रहा है। पेड़ जी, मैं जरूर सुन लेती सबकी बातें, परंतु अभी मुझे जाना होगा, मैं बिल्कुल फारिग नहीं हूँ। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है, परंतु एक चील उस बच्चे को दूर से देख रही थी। तो यहाँ छुपा बैठा है ये, अब इसकी खैर नहीं, मेरे जंगल से बचकर निकला है, परंतु अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रात हो चुकी थी, मीनू चिड़िया ने घर के सारे काम कर लिए थे और भोजन भी खा लिया था, अब उसका सोने का समय हो चुका था। ओ भाई, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई, बहुत ज्यादा ही काम कर लिया मैंने, अब तो मुझे बहुत ज्यादा जोरों की नींद आ रही है, चलो अब मैं सो जाती हूँ। तभी उसी समय मीनू चिड़िया के घर के पास वही बच्चा आता है और अपने पांव से एक चिट्ठी मीनू चिड़िया के घर पर गिरा देता है। उम्मीद करता हूँ कि मीनू मासी मेरी ये चिट्ठी पढ़ लें, नहीं तो कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और मुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा। वे चिट्ठी सीधा मीनू चिड़िया के घर में आकर गिरती है, परंतु मीनू चिड़िया तो घोड़े बेचकर सो रही थी क्योंकि वे बहुत ज्यादा थक गई थी, इसी कारण मीनू चिड़िया वे चिट्ठी नहीं पढ़ पाती। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है और मीनू चिड़िया अपने सामने वे चिट्ठी देखती है। अरे ये चिट्ठी किसकी है, और ना जाने ये चिट्ठी मेरे घर में किसने गिरा दी। चलो इस चिट्ठी को बाद में पढ़ूंगी, अभी जाकर अपने लिए कुछ भोजन लेकर आती हूँ, बहुत ज्यादा जोरों की भूख लग रही है। तब मीनू चिड़िया ऐसा सोचकर उस पेड़ के पास पहुँचती है और वहाँ से कुछ सेब तोड़ने का सोचती है, परंतु जैसे ही मीनू चिड़िया वहाँ पहुँचती है, वे अपने सामने का मंजर देखकर हैरान हो जाती है। उस बेचारे बच्चे को मारकर किसी ने फांसी से लटका दिया था। ऐसे क्या देख रही हो मीनू चिड़िया, अब ऐसे देखने का कुछ फायदा नहीं। क्या तुम जानती भी हो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी ही वजह से इस निर्दोष की जान गई है। अरे ये सब कैसे हुआ, परंतु मैंने तो कुछ भी नहीं किया पेड़ जी, ये सब कैसे हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ तुम्हारी गलती के कारण ही हुआ है, अगर तुम कल इस बच्चे की बात सुन लेती और शायद इसकी लिखी हुई चिट्ठी पढ़ लेती तो आज शायद ये जिंदा होता और हमारे सामने होता। पर देखो तुम कितनी ज्यादा मतलबी हो, और तुमने इस बच्चे की एक बार भी बात नहीं सुनी और आज इस बेचारे का ये हाल हो गया। क्या क्या लिखा है इस चिट्ठी के अंदर, और ऐसा क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखा है इस चिट्ठी में। फिर मीनू चिड़िया उस चिट्ठी को खोलकर उससे पढ़ने लगती है। मीनू मासी, मैं बहुत मुश्किल से आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, इसे पढ़ लेना। हम सब अनाथ पक्षियों को सिर्फ अब आप ही बचा सकती हो, क्योंकि आप ही इस जंगल में सबसे बुद्धिमान पक्षी हो,
इसलिए सबने मुझसे कहा कि मीनू मासी ही मेरी मदद करेंगी। इस जंगल में एक बहुत ज्यादा खतरनाक और खूनखार चील है मीनू मासी, जो हम जैसे अनाथ बच्चों को पकड़कर उनका शिकार करती है और फिर एक एक कर उन्हें जान से मार डालती है। मुझे बस अब आप ही बचा सकती हैं, क्योंकि मैंने सामने कितने सारे बच्चों की लाशें देखी है मासी। एक बात कहूँ मासी, हम सब अनाथ हैं ना, हमारा कोई भी घर नहीं है मासी, हमारी देखभाल करने वाला भी कोई भी नहीं है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है, परंतु आप मुझे बचा लोगी ना। चिट्ठी पढ़ने के बाद मीनू चिड़िया के सामने सारी हकीकत आ जाती है और वे बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मीनू, अब कोई फायदा नहीं, अब तो जो होना था सो हो गया। उस बेचारे बच्चे की जान अब चली गई, कल ही उस चील ने उसे देख लिया था और कल रात को आके उसने उस बच्चे को मारकर मुझ पर टंगा दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि मेरे हाथ पैर तो इन जमीनों में गड़े हुए हैं ना। उस बच्चे ने तुम पर भरोसा किया था और तुम ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, परंतु तुमने उसकी उम्मीद तोड़ दी। आज भी ना जाने कितने सारे अनाथ बच्चे उस खतरनाक चील की कैद में हैं और वे आज भी एक एक कर सब पक्षियों के बच्चों को मार रही है, परंतु उसे सबक सिखाने वाला कोई नहीं है इस जंगल में। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु मैं उस चील को अब नहीं छोड़ूंगी, मैं उसका पता लगा कर रहूंगी और उसे डांट दूंगी। हाँ, जाकर पहले उस चील को पकड़ो और तभी मेरे पास कुछ भोजन मांगने आना। मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मीनू चिड़िया को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और अब वे उस चील से बदला लेना चाहती थी और सब बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती थी। पेड़ जी, आप ठीक कह रहे हैं, अब तब तक मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी जब तक उस चील को सबक न सिखा दूँ। इन सब बच्चों को मैं इनका अपना एक घर दिला के रहूँगी और उस चील को अब नहीं छोड़ूंगी। मैं जा रही हूँ, मुझे अब अपने जीने मरने की कोई भी फिक्र नहीं है। फिर क्या था, मीनू चिड़िया उस चील की गुफा में पहुँचती है, जहाँ उस चील ने बहुत सारे बच्चों को बंदी बनाकर अपने पास रखा हुआ था। चील, मैं सिर्फ तुमसे एक बात पूछूंगी, क्या कल रात उस बच्चे को तुमने मारा था? हाँ, मैंने मारा था और मैं तो ना जाने ऐसे कितने बच्चों को मार चुकी हूँ, परंतु आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मैं हूँ ही इतनी ज्यादा खतरनाक। चील, अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी जिससे इन बच्चों को यकीन हो जाएगा कि इनकी रक्षा करने वाला भी कोई है, ये सब के सब अनाथ नहीं है। फिर क्या था, मीनू चिड़िया एक बड़ी सी ईंट उठाकर उस चील के सर पर मारती है, जिसके कारण चील के सर से खून बहने लग जाता है और वे घायल हो जाती है। अरे, ये क्या किया तूने, बहुत ज्यादा जोर से लगी है मुझे। देखा पेड़ जी, मैं इस चील को घसीटती हुई यहाँ ले आई हूँ और अब इसका अंजाम भी वही होगा जो इसने बाकी सब पक्षियों के बच्चों के साथ किया है। फिर क्या था, मीनू चिड़िया बिल्कुल भी देरी नहीं करती और उस चील को भी उस पेड़ के साथ टंगा देती है, जैसे वे दूसरे बच्चों को फांसी पर लटकाती थी। कुछ देर में दम घुटने के कारण उस चील की मृत्यु हो जाती है और मीनू चिड़िया को ये देखकर बहुत ज्यादा दिली सुकून मिलता है। पेड़ जी, अब इस जंगल में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा और अब मैं सबकी रक्षा करूंगी। मैं सभी बच्चों के लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगी और उनके साथ वहीं रहूंगी। मीनू चिड़िया, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस पूरे जंगल की रक्षक हो। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ फल निकाल के रखे थे, क्योंकि मैं जानता था कि तुम सब कुछ ठीक कर ही दोगी। जंगल में एक कौवा किसी दूसरे जंगल से रहने आया था। वे कौवा उस जंगल में अपने लिए एक घर ढूंढ रहा था, ताकि वे उस घर में आराम से रह सके। हाँ, अब मुझे इस जंगल में अपने लिए एक घर ढूंढना होगा, ताकि मैं उस घर में सुकून से रह सकूं और कोई भी मुझे परेशान ना करे। अगर मैं अपने लिए लकड़ी का घर बनाने जाऊंगा तो उसमें तो काफी समय लग जाएगा, परंतु मुझे घर जल्द से जल्द चाहिए। इसीलिए मैं एक काम करता हूँ,
मैं इस जंगल के पक्षियों के घरों में जाकर कहता हूँ कि कोई मुझे बस कुछ दिन के लिए अपने घर में रख ले, फिर मैं अपना एक लकड़ी का बड़ा सा घर बना लूँगा। वे कौवा चाहता था कि कोई पक्षी उससे अपने घर में कुछ दिनों के लिए रख ले। फिर वे कौवा सबसे पहले एक तोते के घर पर जाता है और उससे कहता है, अरे तोते, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने घर में कुछ दिनों के लिए रख लो, ताकि मैं तब तक अपना एक नया घर बना सकूँ। अरे ये तुम कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो, मैं किसी अनजान को ऐसे ही कैसे अपने घर में रख सकता हूँ। देखा नहीं है जंगल के हालात कितने ज़्यादा हैं, इसलिए मेरी तरफ से तो ना समझो, मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रख सकता। अरे अरे तोते, मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा पक्षी हूँ जो दूसरे जंगल से यहाँ रहने आया हूँ। अरे हाँ हाँ, हो गए तुम आम से पक्षी, परंतु चोर डाकों की शक्लों पे कभी तुमने लिखा हुआ देखा है क्या कि वो चोर या डाकू हैं? इसलिए मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जाओ। फिर क्या था, वे बेचारा उदास हो जाता है और वहाँ से आकर एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। अरे ये क्या, इस तोते ने तो मेरी मदद ही नहीं की, बड़ा ही नासमझ और बुद्धू तोता था ये, मुझे चोरों डकैत समझ रहा था जबकि मैं तो एक आम सा पक्षी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, मैंने सुना है इस जंगल के चिड़ा और चिड़िया सभी पक्षियों की बहुत मदद करते हैं, तो सोच रहा हूँ मैं किसी चिड़े के घर पर ही चला जाता हूँ। फिर ऐसा सोचकर वे कौवा उस जंगल में मानो चिड़े के घर पर जाता है और मानो चिड़े से जाकर कहता है, अरे भाई मानो, मैंने सुना है आप जंगल के पक्षियों की बहुत मदद करते हो, तो क्या आप मेरी भी मदद करोगे? दरअसल मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन तक तुम मुझे अपने घर में रख लो, ताकि फिर मैं अपना घर बना सकूं। अरे वो बात तो ठीक है, परंतु मैं तुम कौवों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि हमारे जंगल में भी एक कालो कौवा है जो हमेशा हम सब पक्षियों को परेशान करता रहता है, और एक अब तुम और आ गए हो, मुझे लगता है तुम भी ज़रूर परेशान करोगे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में तो बिल्कुल नहीं रखूँगा, भूल जाओ ये बात। अरे मानो भाई, मैं तुम्हें क्यों परेशान करूँगा, मैं दूसरे कौवों जैसा नहीं हूँ। अरे तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस दिख तो ये रहा है कि तुम एक कौवे हो और मुझे कौवे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से। फिर क्या था, वे कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वापस जाकर उस टहनी पर बैठ जाता है। अरे इस जंगल के पक्षी तो बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं, मुझे ये जानते नहीं हैं, मैं इनसे शराफत से बात कर रहा हूँ तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे लगता है इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। पक्षियों, तुम सब ने मिलकर मुझे तंग किया है ना, अब देखना जब तक मैं इस जंगल में हूँ तुम्हें परेशान करके रख दूँगा, ना तुम उड़ सकोगे, ना बैठ सकोगे और ना ही कहीं बाहर जा सकोगे। उस कौवे ने सोच लिया था कि अब वह जंगल के हर एक पक्षी को परेशान करेगा, और फिर अगली सुबह से ही कौवा अपने काम से लग जाता है, वे पक्षियों को परेशान करना शुरू कर देता है। हे हे हे, ये तो वही तोता है जिसने मुझे अपने घर में रखने से मना किया था, अभी इसे सबक सिखाता हूँ, बड़ा तीस मार खान बन रहा था, अब इसे गंदा कर दूंगा। फिर वे कौवा उस तोते से बदला लेने के लिए उस तोते पर बीट कर देता है, जो कि सीधा तोते के मुंह पर जाकर गिरती है। अरे ये क्या, इतनी गंदगी, किस दुष्ट की हरकत है ये, किसने किया? अरे अरे घबराओ नहीं तोते, तुम्हारा ये हाल मैंने किया है, अब जाओ और जाकर घर में नहा लो, तुम तो बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हो। अरे कौवे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी शिकायत तो मैं तोते महाराज से करूंगा, फिर देखना वे तेरा इस जंगल में रहना भी मुश्किल कर देंगे। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ कर दो शिकायत, मैं तुम्हारे तोते महाराज के मुंह पर भी अपनी सुंदर सी बीट कर दूंगा और फिर वे भी गंदे हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद वे कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उस कौवे को नजर आता है कि मानो चिड़ा कहीं जा रहा है।
अरे ये मानव चिड़ा कहाँ जा रहा है? कल इसने भी तो मुझे अपने घर में रहने से मना किया था और मेरा मजाक भी उड़ाया था। अब बच्चू तू बच के कहाँ जाएगा? तुझे भी अभी गंदा करता हूँ। फिर क्या था, वे कौवा फिर से वही हरकत करता है और वे मानव चिड़े पर भी बीट कर देता है, जिसके कारण मानव चिड़ा उस कौवे की भीड़ से फिसल कर वहीं गिर जाता है। अरे दैया लग गई रे, किसने करी है ये हरकत? बापरे जंगल में क्या दिन आ गए हैं, अब तो पक्षी खुले में ही हल्का हो रहे हैं। बापरे कौन दुष्ट था ये? अरे मानो चिड़े जरा यहाँ देखो, ये रहा मैं। तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ मैंने दी है, क्यों मजा आ रहा है ना? कल तुमने मुझे अपने घर में रहने से मना किया था, अब जाकर तुम्हारी ये हालत हो गई है। अरे मुझे तो तेरे लक्षण कल ही ठीक नहीं लग रहे थे, इसीलिए तुझे अपने घर में रहने से मना किया था। इसीलिए मुझे कौओं से नफरत है, वे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करते रहते हैं। तू सबर कर जा बेटा, तेरी शिकायत तो मैं तोते महाराज से करता हूँ। अरे तुम्हारे तोते महाराज कोई तोप है क्या, जिसको देखो बस उन्हीं का नाम लिया जा रहा है? जाओ कर दो शिकायत। फिर क्या था, वे दोनों पक्षी गुस्से में तोते महाराज के पास पहुँचते हैं। वहाँ तोते महाराज की वजीर मीनू चिड़िया भी साथ बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ आप दोनों को, आप दोनों ऐसे क्यों आए हैं? फिर वे दोनों पक्षी वे सब कुछ बताते हैं जो उन दोनों के साथ हुआ था। अरे यानी कि वे कौवा तुम दोनों के ऊपर हल्का हो गया। तुम दोनों तो पूरे गंदे हो गए होगे। अरे महाराज आप हम पर हंस रहे हैं, उस कौवे को बुलाइए और उसे सजा दीजिए, उसने हमारे साथ बहुत गंदगी की है। जी जी पक्षियों आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाती हूँ और उस कौवे को ढूंढ कर लाती हूँ। अभी मीनू चिड़िया उस कौवे को ढूंढने जाने वाली ही थी कि तभी वे कौवा खुद ही तोते महाराज के पास आकर बैठ जाता है। अरे चिड़िया तुम्हें मुझे ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, लो मैं खुद ही आ गया तुम्हारे पास। अरे कौवे ये तुम्हारी कैसी गंदी हरकत है, तुम हवा में उड़ते उड़ते हमारे बेचारे पक्षियों के ऊपर हल्के हो रहे हो और इन्हें गंदा कर रहे हो। हमने क्या शौचालय नाश्ता करने के लिए बनवाए हैं? महाराज ये सब कुछ मैंने जानकर नहीं किया, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इन दोनों को ऐसे गंदा कर दूं, परंतु इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। अच्छा ऐसा क्या किया इन दोनों ने जो तुमने इन बेचारों को पूरा गंदा कर दिया? दरअसल मैं इस जंगल में नया पक्षी हूँ, मैं कल ही यहाँ आया था तो मैंने सोचा कि इस जंगल के पक्षी मेरी मदद करेंगे, इसलिए मैं इन दोनों के पास गया और मैंने इनसे कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए, बस कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लो ताकि मैं अपना एक मजबूत और अच्छा सा घर बना सकूं। परंतु इन दोनों पक्षियों ने मुझे जलील कर अपने घर से भगा दिया और एक ने तो कहा कि उसे कौओं से ही नफरत है। अरे पक्षियों क्या ये सच कह रहा है, तुम दोनों ने इसके साथ ऐसा सुलभ किया, तुम तो हमारे जंगल का नाम खराब कर रहे हो। पक्षियों ये तो बहुत गलत बात है, आपने इस बेचारे के साथ कितना गलत किया है, जबकि ये हमारे जंगल में रहने आया था। अगर आप ऐसे करेंगे तो हमारे जंगल में कोई रहना तो दूर यहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करेगा। हाँ और इस कौवे ने बिल्कुल ठीक किया है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम दोनों इस जंगल की गंदगी हो और तुम पर गंदगी गिराकर इसने कौन सा गलत काम किया है। इस कौवे ने तो तुम्हें तुम्हारी सजा दे दी, परंतु अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जब तक इस कौवे का घर नहीं बन जाता कि तुम दोनों में से किसी के ही घर में आराम से रह सकता है, और अगर तुम दोनों ने इसके साथ कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे महाराज बहुत शुक्रिया, मैंने सुना था पक्षीपुर जंगल का इंसाफ बहुत ज्यादा अच्छा है और आज अपनी आंखों से देख भी लिया। फिर क्या था, तोते महाराज और मीनू चिड़िया की मदद के कारण वे कौवा कुछ ही दिनों में अपना एक बढ़िया सा घर उस जंगल में बना लेता है और फिर वहाँ सुकून से रहने लगता है। कालू कौवा और प्रिया कौवी घर में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। अरे कालू तुम कुछ काम धंधा शुरू क्यों नहीं करते, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में हम तो सड़क पर आ जाएंगे, हमारे घर खाने पीने के लिए भी भोजन नहीं बचेगा, तुम कुछ काम धंधा शुरू करो। अरे हाँ भगवान, मैं भी काफ़ी दिनों से यही सब कुछ सोच रहा था, बल्कि
मैंने सोच ही लिया है कि मैं एक मिल्क शॉप की दुकान खोलूंगा, जहां मैं केले का रस तमाम पक्षियों को बेचूंगा। वाह कालू, तुम्हारा विचार तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, परंतु तुम कब से ये दुकान खोल रहे हो? भगवान, बस आज मैं जंगल में से कुछ केले लेने जा रहा हूँ और फिर परसों तरसों से हम ये दुकान खोल लेंगे और फिर हमारी अच्छी खरीदारी होगी। हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो, पहली बार तुम्हारी कोई बात मुझे पसंद आई। फिर कालू कौवा जंगल की तरफ कुछ केले तोड़ने के लिए निकल जाता है, ताकि फिर अपनी मिल्क शॉप की सामग्री तैयार कर सके। परंतु जिस बारे में कालू कौवा अब सोच रहा था, उस बारे में मिनी चिड़िया काफ़ी समय पहले सोच चुकी थी और उसने अपनी एक मिल्क शॉप की दुकान खोल भी ली थी। आज मेरी दुकान का पहला दिन है, उम्मीद करती हूँ कि जंगल के तमाम पक्षियों को मेरा ये मिल्क शेक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने तो काफ़ी समय से ये मिल्क शेक लगाने का सोचा हुआ था, परंतु मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था। अब जाकर समय मिला है तो मैंने अपना यह काम पूरा किया है। तभी मीनू चिड़िया जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, ले जाओ अपने बच्चों के लिए मिल्क शेक ले जाओ, खुद भी पियो और अपने घर के पक्षियों के लिए भी ये मिल्क शेक ले जाओ, बहुत ही ज्यादा ताज़ा और अच्छा मिल्क शेक है। मीनू चिड़िया आवाजें लगा रही थी और वहीं तोते महाराज जंगल के दौरे पर निकले हुए थे, वे मीनू चिड़िया की वे आवाजें सुन लेते हैं। अरे सैनिक, पता करो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लगता है कोई ताज़ा ताज़ा मिल्क शेक बेच रहा है। तुम जानते हो मुझे मिल्क शेक कितना पसंद है, चलो हम वहाँ पर चलते हैं और मिल्क शेक पीते हैं। जो आगे महाराज, हम चलते हैं वहाँ पर। फिर क्या था, तोते महाराज मीनू चिड़िया की आवाज़ का पीछा करते करते मीनू चिड़िया तक पहुँच ही जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुमने मिल्क शेक की दुकान खोली है और मुझे बताया भी नहीं, नहीं तो मैं सबसे पहले तुम्हारी दुकान पे आता। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मिल्क शेक कितना पसंद है। अरे तोते महाराज, आप यहाँ आए ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। बस मैंने आज ही ये काम शुरू किया है, इसलिए बस आपको बताना रह गया। परंतु अब तो आपको पता चल चुका है, तो क्या मैं आपके लिए एक मिल्क शेक बना दूं? अरे मीनू, जाहिर सी बात है, मैं यहाँ तक तुम्हारा मिल्क शेक ही तो पीने आया हूँ। मीनू चिड़िया बहुत खुश होती है और वे तोते महाराज के लिए उसी समय एक बढ़िया सा मिल्क शेक बनाती है और तोते महाराज को दे देती है। महाराज, मिल्क शेक पीजिए और पीकर बताइए कि ये कैसा बना है। फिर तोते महाराज वे मिल्क शेक पीने लग जाते हैं, परंतु तोते महाराज को वे इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वे एक ही बारी में सारा का सारा मिल्क शेक पी जाते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारे मिल्क शेक का जवाब नहीं, क्या बनाया है तुमने, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये हमारे जंगल के केलों का मिल्क शेक बना है। जी महाराज, मैंने इसमें बिल्कुल ताज़ा दूध और केलों का इस्तेमाल किया है, तभी तो ये इतना ज़्यादा मज़ेदार है। अरे मीनू, मैं अब जंगल में हर पक्षी को जाकर बताऊंगा कि वे तुम्हारा ये मिल्क शेक एक बार लाजमी पिए, वे पीते ही रह जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया महाराज। फिर तोते महाराज वहाँ से चले जाते हैं और मीनू चिड़िया दोबारा से आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है, ले जाओ ताज़ा ताज़ा मिल्क शेक ले जाओ। तभी कालू कौवा मीनू चिड़िया की आवाज़ सुनकर मीनू चिड़िया के पास आ जाता है और वे ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। अरे मीनू चिड़िया, ये तो मेरा आइडिया था, तुमने मेरा आइडिया चोरी कर मुझसे पहले इस जंगल में मिल्क शेक लगा लिया, अब मैं क्या करूँगा। अरे कालू कौवी, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो ये बहुत समय पहले से सोचा हुआ था, बस लगाया आज ही। अरे मीनू चिड़िया, नहीं, तुम बहुत ज़्यादा शातिर हो, तुमने छुपकर मेरी और प्रिया की बातें सुनी
और फिर आकर ये केले का मिल्कशेक लगा लिया हमसे पहले। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा ये धंधा मैं बंद करवा कर ही रहूंगा। फिर क्या था, कालू कौवे ने बदला लेने का सोच लिया था। फिर जैसे ही रात होती है तो मीनू चिड़िया अपने घर में जाकर सो जाती है, परंतु पीछे से कालू कौवा उसके घर में आ जाता है और मीनू चिड़िया के बने हुए मिल्कशेक के अंदर वे कुछ तेज और हरी मिर्चें डाल देता है। अब जब सुबह मीनू चिड़िया सबको ये मिल्कशेक पिलाएगी तब देखना पक्षियों का क्या हाल होगा, और फिर पक्षी इस मीनू चिड़िया को छोड़ेंगे नहीं और फिर वे मेरी मिल्कशेक की दुकान पर ही मिल्कशेक पीने आएंगे। फिर सुबह हो जाती है और मीनू चिड़िया अपना मिल्कशेक सभी पक्षियों को बेचना शुरू कर देती है। एक के बाद एक पक्षी मीनू चिड़िया की दुकान पर आता जाता और वह मिल्कशेक पीता रहता, परंतु किसी भी पक्षी को कुछ भी नहीं हो रहा था। कालू कौवा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। अरे ये क्या, रात को तो मैंने इन सब मिल्कशेक के अंदर बहुत सारी मिर्च डाल दी थी, परंतु पक्षियों को इसे पीने के बाद कुछ क्यों नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। चलो मैं खुद जाकर मीनू चिड़िया का ये मिल्कशेक पीकर देखता हूँ कि ऐसा क्या है इसमें। मीनू चिड़िया मुझे क्षमा कर दो और मुझे भी बस जल्दी से अपना स्वादिष्ट मिल्कशेक पिला दो। कालू कौवा मीनू चिड़िया से मिल्कशेक मांगता है और मीनू चिड़िया चुपके से उस मिल्कशेक के अंदर कुछ मिर्चें मिला देती है और कालू कौवे को वह मिल्कशेक दे देती है। जैसे ही कालू कौवा वह मिल्कशेक पीता है, कालू कौवे को बहुत जोर की मिर्चें लगती हैं और वह वहीं पर उछलने लगता है। अरे मिर्चे ये क्या पिला दिया मुझे तुमने मीनू चिड़िया, पता नहीं जंगल के पक्षी ऐसा मिर्चे वाला मिल्कशेक कैसे पी रहे हैं। मैंने कल रात को इसमें मिर्चें मिलाई थी, मुझे पता चल गया है। अरे कालू कौवे ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हें मिर्चों वाला मिल्कशेक पिलाया है और बाकी पक्षियों को मीठा मीठा मिल्कशेक पिलाया है। समझ तो मैं कल रात को ही गई थी जब मैंने तुम्हारा वे काला पर देखा, तब मैंने अपना थोड़ा सा मिल्कशेक निकाल कर पिया तो इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें थीं, तो मैं समझ गई कि ये सब तुम्हारी चाल है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया मुझे क्षमा कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं अभी, बस मुझे जल्दी से पानी दे दो। नहीं नहीं काले कौवे ऐसे थोड़ी, अब तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तुम्हें ये मिर्चें लगनी चाहिए। तुम जंगल के पूरे पक्षियों को ये मिर्चों वाला मिल्कशेक पिलाना चाहते थे, अब खुद पियो ताकि तुम्हें पता चले। कालू कौवे ने जैसा करा वैसा ही उसे भुगतना पड़ा। मीनू चिड़िया ने कालू कौवे को सही सबक सिखाया।